स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हमारे 8 फरवरी को होने वाले इंग्लिश के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, पैराग्राफ और आर्टिकल के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके हमारे 8 फरवरी को होने वाले इंग्लिश के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन एनएसएस कैंप इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो हमें एनएसएस कैंप के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज, 100 वॉलंटियर्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स और अडल्ट लिटरेसी क्लासेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनएसएस कैंप का, तो इसको आप ज़रूर लर्न कीजिएगा, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको राइट कर करके आप देखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ गेम्स। तो बच्चों, वैल्यू ऑफ गेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो नेसेसरी फॉर लाइफ हेल्दी, रिमूव्स मोनोटोनी, मेक और बॉडी हेल्दी, लर्निंग गुड हैबिट्स, डिवेलप क्वालिटी एंड ब्रदरहुड। ये सभी पॉइंट्स की हेल्प से हमें एक आर्टिकल लिखना है वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक रिपोर्ट है एक्सीडेंट वाली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वेयर, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, व्हेन, कब हुआ, कैसे हुआ, एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द सीन ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ कैजुअल्टीज, डेथ, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज। ये सभी पॉइंट्स की हेल्प से हम एक रिपोर्ट तैयार करना है जो कि एक्सीडेंट के ऊपर है, रोड एक्सीडेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे हैं तो आपको पता होगा कि ये कितनी बार आ चुका है, ठीक है। एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, टर्मिनल आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नो टू पॉलीथीन बैग्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, नो टू पॉलीथीन बैग्स, 2024 में इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए, लास्ट मंथ यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड हु वाज एडमिटेड देयर, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस अ स्मॉल राइट अप ऑन अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। अ विजिट टू अ हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसके पॉइंट है। अब इसके बाद आर्टिकल के क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर योर स्कूल मैगजीन, ये आपको आर्टिकल लिखना है। ये पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें पैराग्राफ आपको राइट करना है। तो पैराग्राफ जो आप प्रैक्टिस करेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको लर्न कीजिएगा, वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर पैराग्राफ, पॉल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड-19, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये सभी पैराग्राफ के टॉपिक हैं, तो इनको आप ज़रूर लर्न कीजिएगा। बस इनको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, यानी कि पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल में से एनी टू आएंगे, मतलब कि दो आएंगे, करना आपको एनी वन है, सिर्फ आपको वन ही करना है, एक ही करना है, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं या पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं तो कोई ना कोई एक टॉपिक तो आएगा भाई, रिपोर्ट के ओर में आर्टिकल आ सकता है, या रिपोर्ट के ओर में पैराग्राफ आ सकता है, या फिर पैराग्राफ के ओर में आर्टिकल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको लिख लिख कर देखिएगा, क्योंकि देखो ये जो है टॉपिक्स, ये हमारे राइटिंग स्किल में आते हैं। किस में आते हैं? राइटिंग स्किल में आते हैं। तो बस आपको राइट करना है, इनको लिख लिख के देखना है, फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिए, तो इन सभी की प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस बात की गारंटी है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।